हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन। और चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पे हमने बड़े पतीले में तेल को गरम कर दिया है। 2 केजी तेल ले लिया है और 250 ग्राम के करीब हमने खड़े मसाले जैसे कि तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची और जो साबुत मसाले होते हैं वह डाल देंगे। 1 किलो लहसुन को छील के पतीले में डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब लहसुन अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे हम 6 किलो प्याज ले लेंगे। प्याज को हमने लंबे लंबे काट लिए हैं और इसमें डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भुनेंगे। प्याज को सुनहरे होने तक भून लेंगे। अच्छे से भुन चुका है। ये देखिए, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। ढाई सौ ग्राम अदरक को कूट के डाल देंगे। एक किलो हरी मिर्ची ले लेंगे, उसे बारीक काट के इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे 20 केजी चिकन ले लिया है और इसे भी बर्तन में डाल देंगे। अब चिकन को अच्छे से भून लेंगे। चिकन को जब तक भूनना है तब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब चिकन अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। चिकन को 1-2 मिनट और भून लेंगे। अब यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डालेंगे। 250 ग्राम के करीब हमने हल्दी डाली है। डेढ़ किलो टमाटर ले लिए हैं, इसे भी बारीक काट के चिकन में डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे 400 ग्राम लाल मिर्ची डाल देंगे।
इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पे हम 600 ग्राम धनिया पाउडर डाल देंगे। और इन सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे 7 से 8 किलो पानी डाल दिया है। अब पानी को अच्छे से उबलने देंगे। अब मसाला और पानी बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। यहाँ पे 1/2 किलो दही डालेंगे और अच्छे से इन्हें मिला लेंगे। चिकन बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम 100 ग्राम चिकन मसाला का पाउडर डाल देंगे। एक दो मिनट इसे और पकाएंगे। अब चिकन बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे 1/2 केजी हरा धनिया काट के ऊपर से डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल तैयार है चिकन। 20 केजी चिकन बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो गया है।